अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत हैरियत से होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो जी, कैसे जा रहे हैं आपके रमजान के रोजे? आज हो गया है 8 रोजा, माशाल्लाह से इतने जल्दी गुजर रहे हैं। मैं रोज यही बात करती हूँ कि इतने जल्दी गुजर रहे हैं। तो जी, आज का दिन जो मेरा शुरू हुआ था वो बड़ा ही सुस्ती वाला दिन शुरू हुआ था। एक तो मैं लेट उठ के आई, ऊपर से जब मैं नीचे आ रही थी तो मिकाइल ने मुझे स्टेयर्स पे ही बिठा लिया और अपना गाड़ियों का ट्रैक पकड़वा दिया और वहां पे वो उसने रेस शुरू कर दी। तो जो कि मेरे तकरीबन 2 घंटे में वहां पे बैठी थी और मिकाइल ने मुझे बोला कि ना माँ जी, ना आज नहीं जाने देना। तो जी, खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे की तो बात माननी पड़ती है, लेकिन कभी कभी माननी पड़ती है। लेकिन वो खेल रहा था तो इस वजह से मैं फिर नहीं उठी, उसके साथ वहां पे मैं खेलती रही। तो उसके बाद फिर हो गया जोहर का टाइम, मैंने जोहर पढ़ी और आपस फिर उसके बाद एक पार्सल आया तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, आज उसको नहीं आना था लेकिन वो आज आ गया। तो वो देखते हैं कि वो उस पार्सल में क्या आया है। मैं तो बड़ी खुश थी कि वो पार्सल आ गया है। फिर वो आ गया, फिर मैं उसके साथ लग पड़ी और मेरा थोड़ा सा टाइम और वेस्ट हो गया। तो अभी बज रहे हैं जी 4:15 और मैंने अफ्तारी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। और ये आ गए हैं मिकाइल। तो आज मैं बनाऊंगी वैसे चिकन KFC स्टाइल, या KFC स्टाइल चिकन बनाऊंगी जो कि मैंने सुबह निकाल दिया था और उसके अंदर मैंने सॉल्ट, जिंजर और गार्लिक पाउडर मैंने डाल दिया था। और अब हम उसको मैदा लगा के और भी सब कुछ लगा के हम उसको सिर्फ फ्राई करेंगे। लेकिन और जो मैंने अभी तक बनाना है वो है पकोड़े। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और पहले तो मैं थोड़ा सा किचन समेट लूँ, तो फिर उसके बाद करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मैंने सुबह सहरी में बर्तन धोए थे और वो उसी तरह बास्केट में पड़े हुए हैं, उनको मैं अपनी जगह पर रख लूँ और फिर बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से तैयार कर रहे हैं जी। थ्री गो, ओके गो। One, three, go! Wow, race! अच्छा जी, ये है वो पैकेज जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसको आज नहीं आना था, थर्सडे को आना था, लेकिन वो आज ही आ गया। बड़ी वैसे बड़ा मज़ा आता है ना कि जब आपको पता हो कि आपकी चीज़ 2 दिन के बाद आनी है और वो उसी दिन आ जाए, तो आपकी तो खुशी की दहाई नहीं होती है। तो ये देखिए जी, मैंने ऑर्डर किया था आईपैड और जो कि आ गया है, और मैं और मिकाइल बहुत खुश देंगे, हमारा आईपैड आ गया है। तो लास्ट टाइम वाला जो था वो सिल्वर था, लेकिन इस बार हमने किया था पिंक। तो ये देखिए जी, ये पिंक कलर का है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका और बहुत ही मज़े का है। और साथ ही दूसरा एक और भी पैकेज आया था, ये मैंने उस्मान के बर्थडे के लिए ऑर्डर किए थे, लेकिन ये आ जाए जब बर्थडे हो चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने बर्थडे पे लगा लूँगी। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैं मिकाइल के लिए बना रही हूँ कुछ खाना और मिकाइल अपने ब्लॉक्स ला के थ्रो कर रहा था। और चलें जी, कोई बात नहीं, थ्रो कर रहा था तो करने देते हैं। और उसके बाद मैं बनाऊँगी वेजिटेबल्स, जो कि मैं वेजिटेबल्स निकाल रही हूँ। और मिकाइल को ये रेड वाली बेल पेपर नज़र आ गई थी और वो उठा के पूरी ले गया और उसने पूरी खा ली। तो जी, उसके बाद बस मैं ये कट करूँगी जल्दी से। कट करने के साथ ही मैंने बना लिया था ये पकोड़ों का सामान, क्योंकि इनको भी काफ़ी टाइम। तो ये देखिए जी, ये मैंने पकोड़ों का सामान भी तैयार कर दिया है। और उसके बाद ये है जी चिकन, जो मैंने आपको बताया था आज मैं KFC स्टाइल चिकन बनाऊंगी। तो ये मैंने इसको सॉल्ट में, नमक में, सब चीज़ों में मिक्स करके इसको पानी में रखा हुआ है। ये सिर्फ 2 ही हैं, क्योंकि उस्मान नहीं खाते हैं ये, उनको ऐसा चिकन नहीं पसंद। तो मैंने सोचा सिर्फ मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ, तो सिर्फ ये मैं 2 बना रही हूँ। तो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो मैं जब पकौड़ों का सामान बना रही थी तो मुझे लगा कि आज ऐसा करते हैं कि खाने में
कल वाले चावल भी हैं और दाल भी है, तो हम उसके साथ वेजिटेबल्स बना लेते हैं। बहुत यम्मी वेजिटेबल्स बनती है। हमने क्या करना है, बिल्कुल भी उनमें मेहनत नहीं लगती है। सब वेजिटेबल्स आपको जो जो पसंद है, जैसे कि मैं लूंगी बेल पेपर लूंगी, रेड वाली लूंगी, येलो वाली लूंगी, ग्रीन मेरे पास नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या लूंगी, अनियन लूंगी और ब्रोकोली लूंगी। हमने इनको क्या करना है, और पोटैटो भी लूंगी। हमने इनको क्या करना है, हमने इनको क्यूब्स में कट कर लेना है और उसके बाद इनको सिर्फ मसाले में पकाना है, लाइक सॉल्ट, पेपर, जीरा और कोई भी अगर आपके पास फेवरेट आपका मसाला है, कोई भी टिक्का मसाला है, कुछ भी आप उसमें वो डाल के और आप उसको पकाएं और वेजिटेबल्स को पकाएं ऐसे, बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाएं, तो उसके सॉफ्ट हो जाएं तो हम फिर उसको खाएंगे दाल चावल के साथ। बहुत मजा आता है, मतलब यम आ जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। और पहले हो गया है असर का टाइम, मैं नमाज पढ़ के आऊंगी, फिर मैं यहाँ से आऊंगी और उसके बाद फिर आएंगे किचन में। तो चलिए जल्दी से जाते हैं। तो जी असर भी हो गई, सब हो गया, अब बारी आती है अफ्तारी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल्स बनाना। वेजिटेबल्स को मैंने कट कर दिया है और अब हम इनको जल्दी से बनाते हैं। तो जी ये ली है मैंने वेजिटेबल्स, आप अपनी मर्जी की ले सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट है। ये मैंने लिया है प्याज, मैंने एक पूरा प्याज लिया था मीडियम साइज का, जो इसमें से आधा मैंने पकौड़ों में डाला है और आधा मैंने यहाँ पे यूज किया है। और एक मीडियम साइज का पोटैटो था जिसके मैंने छिलके रिमूव नहीं किए। और ये येलो वाली बेल पेपर है, ये रेड वाली है, ये एक टमाटर है और ये ब्रोकोली है। कैरेट्स मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे आज कैरेट खाने का दिल नहीं है। तो चलिए जी इनको बनाते हैं जल्दी से। तो जी सबसे पहले हम एक ले लेंगे बड़ा वाला फ्राइंग पैन और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसके अंदर हम डालेंगे मिकीनो। तो ये देखिए जी, हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें, और जीरा के थोड़ा सा हो जाए तो फिर हम इसको करते हैं। गायल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, जूस, ओके। ये देखिए जी, कोई हाल नहीं है इसका। तो चलिए जी, ये हुआ थोड़ा सा। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे पोटैटो। मिकी क्या डालेंगे, पोटैटो, ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हमने पोटैटो डाले हैं, उनको हम दो तीन मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसको फिर से दो तीन मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ अगर आपके पास ब्रोकोली है और अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आप साथ वो भी डाल दें। तो चलिए जी जल्दी से हम इसको मिक्स करते हैं और तीन चार मिनट के लिए इसको ऐसे ही हम हिलाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ब्रोकोली जो थी वो फ्रीज़र से मैंने निकाली थी तो ये बहुत ठंडी थी। तो इसको हम हिलाते रहेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें अभी सॉल्ट नहीं डालेंगे क्योंकि इस फिर सारी वेजीज पानी छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएंगी, तो हमें बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए। और ये हम डाल देंगे उसके बाद बेल पेपर्स डालने के बाद हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। टमाटर हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे जब ये सारी सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी वो गल जाएंगे जिसकी वजह से वो फिर मज़ा नहीं देंगे। तो ये देखिए जी, ये मैंने थोड़ा सा डाला है सूखा धनिया और उसके बाद ये मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, बहुत ही थोड़ी सी डाली है। और उसके बाद यहाँ पे आप अगर चाहें कोई भी तिक्का मसाला या जो भी आपका फेवरेट मसाला है वो डाल दें, मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं सिर्फ ब्लैक पेपर और वही डालूंगी। और मैंने ये कलवंजी डाली है क्योंकि कलवंजी से बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही प्यारा टेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ना फिर अचार अचार टाइप का टेस्ट आता है जब हम कलवंजी डालते हैं। तो चलें जी, ये अब हम कर देंगे इसको कवर कुछ मिनट के लिए, स्पेशली हम इसको करेंगे ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं चिकन के लिए वो जो हम क्या कहते हैं उसको, पेस्ट जो तैयार करना है चिकन को डिप करने के लिए। एक ड्राई मैदा हम करेंगे और एक
गिल्ले वाला करेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे। तो जी जल्दी से हम ये बनाते हैं। तो ये ड्राई वाला तो हो गया, इसके अंदर मैं सिर्फ पानी, वो पानी तो मैं इसके अंदर डालूंगी, उसके अंदर मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ी सी रेड पेपर और क्या डाला मैंने इसके अंदर, बस गार्लिक का पेस्ट और मैंने क्या डाला था, ब्लैक पेपर डाली थी, बस यही मसाले हैं इसके अंदर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं जाके। तो ये देखिए जी, मैं जल्दी से इसको भी रेडी करके रख दूँगी, और अफ्तारी के टाइम बस इसको हमें फ्राई करना होगा। तो डबल कोट में इसका कर रही हूँ क्योंकि मज़ा आता है डबल कोट करने में। तो जी ये जल्दी से बस मैं कर लूँगी, और साथ साथ हमारी वेजीज उधर बन रही हैं, तो बस हम उसका वेट करेंगे, उसमें पोटैटो अच्छे से गल जाएं। और तो सारी अगर थोड़ी हार्ड भी हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन पोटैटो का थोड़ा मसला होता है। तो ये देखिए जी, ये मैंने रेडी करके रख दिया है, और उसके बाद ये है जी वेजीज जो कि रेडी हो चुकी हैं, तकरीबन इतनी हो चुकी हैं कि अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल सकते हैं और खा सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये मैं डालूंगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ताकि टमाटर जब अपना पानी छोड़ेंगे ना, तो उसमें हमारे जो आलू है ना, वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे, और ज़्यादा वो सॉफ्ट सॉफ्ट भी नहीं होंगी वेजेस, लेकिन अच्छे से हो जाएंगे। तो ये गया हमारा सॉल्ट थोड़ा सा, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और हम फिर से इसको 5-6 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो जी ये मैं जल्दी से मिक्स करती हूँ, और इसको फिर हम रख देते हैं 5-6 मिनट के लिए। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बनती हैं। तो ये देखिए जी, जब तक हमारी वेजेस बनती है, मैं बना लेती हूँ फ्रूट चाट। तो जल्दी से मैं बना रही थी फ्रूट चाट, और जो कि हमारे घर रोज़ बनता है, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया था ना, मैं फ्रूट चाट वाला मसाला लेके आई थी, यार उससे इतना यम्मी बनता है फ्रूट चाट के, मैंने कभी भी इतना फ्रूट चाट नहीं खाया, स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि वो फ्रूट चाट खाने से ना मुझे ऐसा लगता था पेट बहुत फुल हो गया है, तो मैं नहीं खाती होती थी। तो इस दफ़ा लेकिन वो फ्रूट चाट का जो मसाला है ना, वो डालने की वजह से वो इतना यम्मी बनता है कि बस बंदा कहता है यही खाते हैं। तो इस वजह से इस बार हमारा कोई समोसे पकौड़ों पे इतना ज़ोर नहीं है जितना फ्रूट चाट पे है। तो ये देखिए हमारी ये वेजीज बन के तैयार हैं, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी इनकी, स्पेशली कलवंजी की वजह से। तो ये देखिए जी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारा पोटैटो गल चुका है, और हम इसको आप अफ्तारी में खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये सख्त नहीं है। तो जी ये बन गई हैं, इसको हम करते हैं साइड पे, और अब हम कर लेते हैं फ्राई चीज़ों को। और ये जी हमें पकोड़े, सबसे पहले पकोड़े फ्राई करूँगी, और ये मुझे ये यहाँ पे ही गलती हुई थी कि मुझे पहले चिकन को फ्राई करना चाहिए था, उसके बाद पकोड़ों को करना चाहिए था, क्योंकि चिकन ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, और पकोड़े तो ठंडे ही हो जाते हैं जल्दी से। तो वो चिकन फिर अफ्तारी के टाइम बहुत गर्म था, और मतलब बहुत उसको ठंडा कर कर के खाना पड़ा था। और यहाँ पे ये देखिए, ओके मिकाइल, क्या खाना है आपको अफ्तारी पे? ये क्या उठाया हुआ है आपने, बता? पिज्जा तो नहीं है आज? अच्छा, आपको पता है इससे पिज्जा कटता है? आपको कैसे पता है, आपने तो कभी भी नहीं काटा। तो फिर आपको कैसे पता? अच्छा, रोजा रखा है? अच्छा, ये क्या कर रहे हो आप इधर बैठ के, जरा मुझे बताओ तो सही। सारी चीजें आप नीचे निकाल के फेंक रहे हो, हाँ गंदी बात है ना। ओके, उसके बाद ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, और मिकाइल स्टिल उधर ही बैठा हुआ है, और वो मेरी चीजों की तबाही निकाल रहा था, पर क्या करें, वो नहीं चाहता, मतलब जब मैं किचन में आना होता है, उसको भी किचन में आना होता है मेरे साथ। तो ये देखिए जी, अब मैं चिकन को फ्राई करूँगी,
और ये देखिए मिकाइल दूसरी साइड पे भी आ चुका था। और ये देखिए जी चिकन अच्छा सा फ्राई हो चुका है और बिल्कुल ये अंदर से अच्छे से गल गया था, ये नहीं था कि ये कच्चा था अंदर से, बिल्कुल भी कच्चा नहीं था। और यहाँ पे मैंने राइस भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे, सॉरी गरम होने के लिए रख दिए थे। और अब हम इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन। कल वाली दाल है, आज हम ये दो पहाड़ियाँ बनाएंगे जिसके ऊपर हम ये लावा गिराएंगे दाल का। तो और उसके बाद ये एक पहाड़ी मेरी है और एक उस्मान की है और हम साइड पे रख लेंगे वेजीज। ये एक साइड उस्मान की है और एक साइड मेरी है, जो कि मेरी तो उसी तरह ही रही थी। मैंने फ्रूट चाट इतना ज़्यादा खा लिया था कि मैंने और कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मैंने थोड़ा सा खाना खाया था, बहुत मज़ा आया था। तो ये देखिए जी मैं इसकी कर रही हूँ प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत यम्मी लग रहा था देखने में और खाने में भी बहुत मज़े का था। अब जी हम रखते हैं इसको अफ्तारी के टेबल पे। और ये देखिए जी यहाँ पे ही हम करते हैं अफ्तारी साइड पे। और ये है जी आज की मेरी अफ्तारी। ये देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है। और ये हमारी छोटी सी अफ्तारी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। ये देखिए जी मिकाइल अंदर से सिर्फ ग्रेप्स खा रहा था। तो चलिए जी मैं और मिकाइल इंजॉय करते हैं फ्रूट चाट। आप लोग भी अपना काम करिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, रमज़ान मुबारक।